जैसा कि हमने अब तक डिस्कस किया था कि जो हमारा एरा है वो क्या है, सबसे बड़ी यूनिट है। और जो एरा है, हम लोगों ने इससे पहले आपसे डिस्कस किया था प्री कैम्ब्रियन एरा, और प्री कैम्ब्रियन एरा के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैलेजोइक एरा। पैलेजोइक एरा मैंने आपको बताया था कि 57 करोड़ ईयर से लेकर 22.5 करोड़ ईयर्स तक का जो समय है ये क्या कहलाता है, ये पैलेजोइक एरा कहलाता है। पैलेजोइक एरा में जो पहला पीरियड था उसे हम डिस्कस करते थे जिसे हम कैम्ब्रियन जिसको हमने कहा था। उसके बाद हम एक पांचवा जो पीरियड है वो डिस्कस कर रहे थे जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिफोरस कहते हैं। कार्बोनिफोरस मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पीरियड है और करीब 6.5 करोड़ ईयर्स तक कार्बोनिफोरस जो पीरियड है वो चला। कार्बोनिफोरस जो पीरियड है इट इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ कोल, या कोल एज के नाम से भी इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। आज जो भी कोयला दुनिया भर में पाया जाता है इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत कार्बोनिफोरस पीरियड में हुई। एक्चुअली कार्बोनिफोरस पीरियड जो था इसकी जो जलवायु थी बहुत ही डिस्टिंक्ट थी। कार्बोनिफोरस पीरियड में हमारी जो पूरी दुनिया की जलवायु थी वो कैसी थी, गर्म थी और नम जलवायु थी, यानी गर्मी थी और नमी थी। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जब गर्मी और नमी दोनों होती है तो किसका विकास होता है, जंगलों का विकास होता है। जहां जहां गर्मी और नमी दोनों चीजें पाई जाती हैं वहां पे किसका विकास होगा, रेन फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होगा। ये रेन फॉरेस्ट बहुत ही घने रेन फॉरेस्ट थे और मतलब ये बहुत तेजी से ग्रो करते थे। बहुत सारी दलदल थी, बहुत नमी थी। तो हो क्या रहा था कि पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा जो वेजिटेशन है, बहुत ज्यादा जो फॉरेस्ट है उनका फॉर्मेशन हो रहा था। और आने वाले समय में यही जो फॉरेस्ट है जब ये जमीन के नीचे दब गए तो किसका फॉर्मेशन हुआ, आगे चल के वही जो दबे हुए जो रेन फॉरेस्ट थे हमारे वो किसमें कन्वर्ट हुए, वो कोल जो है उसमें कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो बेसिकली इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, एज ऑफ कोल कहते हैं इसे। ठीक है, या कोल एज कहा जाता है। यानी आज जो भी कोयला है वो कब कब बना, इसका विकास कब हुआ, कार्बोनिफोरस जो पीरियड है उसमें हुआ, शुरुआत उसमें हुई उसकी। ठीक है, साथ ही में जो हमारा कार्बोनिफोरस पीरियड है इसी में एक और माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट शुरू हुई जिसे हम क्या कहते हैं, हरसीनियन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप राइट साइड में ये इमेज देख रहे हैं, ये जो काली काली आपको लेयर दिखाई दे रही है ये कोयले की लेयर है, इसे हम कहते हैं कोल सीम्स। ठीक है, तो देखिए ये एक कोल सीम है, यानी ये जो कोल सीम है ये कब बनी होगी, ये सर्टनली कार्बोनिफोरस पीरियड को रिप्रेजेंट करेगी। चलिए, उसके बाद जो अगला पीरियड आया उसे हम कहते हैं परमियन पीरियड। ठीक है, परमियन पीरियड्स में सबसे पहले जो रेप्टाइल्स हैं वो आए। ठीक है, रेप्टाइल्स आपको पता होगा, जो रेप्टाइल्स हैं वो जैसे स्नेक है वो रेप्टाइल है और बहुत सारे रेप्टाइल्स के बारे में आप जानते होंगे और आपने पढ़ा भी होगा। तो जो रेप्टाइल्स हैं उनकी शुरुआत इसी पीरियड में हुई। ठीक है, साथ में आपके जो कोनिफोरस पीरियड ट्रीज हैं वो भी इसी पीरियड में आए। और आपका जो ये पीरियड है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ वो ये चेंज हुआ कि आपकी जो जलवायु थी वो कैसी होने लगी, ड्राई होने लगी। अब तक जलवायु कैसी थी, कार्बोनिफोरस पे जलवायु गर्म थी और नम थी, हॉट एंड ह्यूमिड थी। लेकिन इस पीरियड में यानी परमियन में जलवायु कैसी हो गई, हॉट एंड ड्राई हो गई, गर्म हो गई और साथ में शुष्क हो गई, यानी नमी खत्म हो गई। तो जब भी जलवायु गर्म और शुष्क होती है तो किसका विकास होता है, याद रखिएगा रेगिस्तानों का विकास होता है। ठीक है, तो जो आपका हरसीनियन जो 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 इससे पहले कार्बोनिफोरस पीरियड में जो आपका हरसीनियन मूवमेंट शुरू हुआ था, हरसीनियन पर्वत निर्माणकारी हलचलें शुरू हुई थी वो इस पीरियड में भी चली। और दो प्रमुख पर्वत हैं जिनका निर्माण हुआ ऐसे, एक का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट और दूसरे का नाम है अल्ताई। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में है, अगर आप लोगों को पता हो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। और जो ये अल्ताई माउंटेन्स है आपका, ये आपका मंगोलिया चाइना की जो बॉर्डर है इस पे आपके जो अल्ताई माउंटेन्स हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों माउंटेन्स हैं इनका फॉर्मेशन कब हुआ, हर्सीनियन पीरियड, यानी कार्बोनिफोरस और परमियन पीरियड जो है इसमें जो पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई हर्सीनियन, उन हर्सीनियन मूवमेंट्स में ब्लैक फॉरेस्ट और अल्ताई जो माउंटेन्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपका जो पैलियोजोइक पीरियड है, पैलियोजोइक एरा जो है वो खत्म हुआ और जो आपका अगला जो एरा है वो शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत हुई। अगला जो एरा था वो क्या था आपका, अगला एरा को हम कहते थे मेसोजोइक, मेसोजोइक एरा। ठीक है, तो आपका जो मेसोजोइक एरा था इस एरा में ये 22.5 करोड़ ईयर से लेकर 6.5 करोड़ ईयर्स तक आपका कौन सा एरा चला, मेसोजोइक एरा चला। मेसोजोइक एरा में जो सबसे पहला पीरियड आया उसका नाम क्या था, ट्राइसिक, उसके बाद जुरासिक, उसके बाद क्रिटेशियस। तो जो सबसे पहला जो पीरियड था वो आपका ट्राइसिक था, ट्राइसिक 3.5 करोड़ ईयर्स तक चला। जाहिर सी बात है जो ट्राइसिक था उसकी शुरुआत किसके साथ हुई, परमियन ट्राइसिक एक्सटेंशन इवेंट के साथ। याद रखिएगा जब हम एक एरा से दूसरे एरा में जाते हैं तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चेंज होता है जिसकी वजह से हम एरा को बदलते हैं। जैसे आपको याद होगा जब हम प्री कैम्ब्रियन से पैलेजोइक की तरफ आए थे तो हमारा क्या इंपॉर्टेंट था, फॉसिल्स इंपॉर्टेंट थे कि हमारे पास कैम्ब्रियन से पुराने फॉसिल नहीं मिलते, तो हमने मार्क किया
प्री कैम्ब्रियन को, और जब कैम्ब्रियन से मिलने लगा तो हम किस में आ गए, पैलेजोइक में आ गए। ठीक है, तो फॉसिल्स का मिलना क्या है, वहां इंपॉर्टेंट घटना है जो दो एरा को क्या कर रही है, अलग कर रही है। जब हम पैलियोजोइक से मेसाजोइक में आते हैं तो जो इंपॉर्टेंट घटना है जो पैलियोजोइक को मेसाजोइक से अलग करती है वो क्या है, परमियन ट्रायसिक एक्सटेंशन इवेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जलवायु कैसे होने लगी, ड्राई होने लगी, यानी पेड़ पौधे सारे क्या हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। और जैसे ही पेड़ पौधे खत्म हो गए उनके साथ साथ बहुत बड़ी जो स्पीशीज थी, बहुत बड़ी संख्या में जो स्पीशीज थे वो क्या होने लगी, खत्म होने लगी। तो परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट के साथ हमारा जो मेसाजोइक एरा है उसकी शुरुआत हुई। ये जो हमारा ट्रायसिक इवेंट, ट्रायसिक जो पीरियड है, इस ट्रायसिक पीरियड में सबसे पहले हमारे क्या अपीयर हुए, डायनासोर्स। ठीक है, यानी अर्थ में जो डायनासोर्स हैं वो कब आए, वो ट्रायसिक में क्या हुए, अपीयर हुए। याद रखिएगा वो भी लेट ट्रायसिक तक ये डायनासोर्स आए। ठीक है, लेकिन अभी भी जो डायनासोर्स थे वो अभी उनकी शुरुआत हुई है, वो डोमिनेंट स्पीशीज नहीं है। साथ ही में पूरी दुनिया की जलवायु कैसी हो गई, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आप देखिए नीचे राइट साइड जो इमेज है इसमें जो येलो पोर्शन है, यहाँ हमारी दुनिया में आज की तारीख में सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है। और सब टाइपिकल क्लाइमेट में हमेशा डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होता है, रेगिस्तानों का विकास होता है। ठीक है, देखिए मेक्सिको का पूरा रेगिस्तानी इलाका है, सहारा रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान। ठीक है, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका पेटागोनिया अटाकामा डेजर्ट, नामीबिया डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया अगर आपको पता हो तो पूरा डेजर्ट ही है। तो इस तरीके से सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आज यहाँ पाई जाती है, लेकिन ट्रायसिक पीरियड में पूरी दुनिया में कैसी क्लाइमेट थी, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट थी, यानी बहुत सारे जो डेजर्ट्स थे वो इस टाइम पे पाए जाते थे। मैमल्स भी साथ में जो है इसी पीरियड जो है इसी पीरियड में एवॉल्व हुई। जो आपके रेप्टाइल्स हैं वो हालांकि मेसोजोइक से पहले आ चुके हैं और अभी भी हैं, लेकिन रेप्टाइल्स जो डायनासोर रेप्टाइल्स हैं वो ट्रायसिक के एंड में आए। मैमल्स भी इसी पीरियड में दुनिया में अस्तित्व में आए। ठीक है, ट्रायसिक पीरियड खत्म हुआ और उसके बाद कौन सा पीरियड आया, जुरासिक पीरियड आया। जुरासिक पीरियड के बारे में आप सबने सुना होगा, बहुत ही फेमस मूवीज जो है जुरासिक पे स्टीवन स्पीलबर्ग की आप सबने देखा होगा, और मुझे उम्मीद है सभी पार्ट्स आपने देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो उस मूवीज को आप दोबारा देखिए। वो जो है वो डायनासोर के उस पीरियड को दिखाती है जब पूरी दुनिया में जो डायनासोर हैं वो क्या थे, पाए जाते थे, और उस पीरियड को हम क्या कहते थे, उस पीरियड को हम लोग जुरासिक कहते थे। स्टीवन स्पीलबर्ग ने बेसिकली इसी के नाम पे ही ये जो मूवी है उसका नाम रखा था जुरासिक। ठीक है, तो जुरासिक पीरियड 4.5 करोड़ ईयर्स तक चला। वो डायनासोर्स जो ट्रायसिक के अंत में जिनकी शुरुआत हुई थी, जुरासिक तक आते आते ये पूरी दुनिया में पाए जाने लगे। और क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ा, एवोल्यूशन जो है वो अपने रास्ता उसने लिया और विभिन्न प्रकार के जो डायनासोर्स हैं वो पाए जाने लगे। कुछ वेजिटेरियन थे, कुछ नॉन वेजिटेरियंस थे, कुछ हाइट में छोटे थे, कुछ बड़े थे, कुछ की गर्दन लंबी थी। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डायनासोर जो है वो पूरी दुनिया में जुरासिक पीरियड में पाए जाने लगे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जो आपके मैमल्स हैं और जो रेप्टाइल्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, हम जैसे इंसान क्या है, मैमल्स हैं। तो अगर आपको पता हो तो मैमल्स बेसिकली क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या होते हैं, इंडोथर्मिक होते हैं, यानी अपनी जो बॉडी की जो गर्मी है उसे हम अपने फूड जो है उससे जनरेट कर लेते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ऊर्जा को बना लेते हैं। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। रेप्टाइल्स को अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए किसकी जरूरत होती है, सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। कभी अगर आप लोग कानपुर जू जाएं या लखनऊ जू आएं तो आप लोग देखेंगे कि जो मगरमच्छ हैं जो कि रेप्टाइल्स हैं, आप देखिए वो हमेशा मुंह खोल के बैठे रहते हैं जब धूप निकलती है कभी कभी। तो वो बेसिकली कर क्या रहते हैं, वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले होते हैं। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी जो बॉडी की एक्टिविटी है वो कर पाएंगे। इसीलिए जो आपके रेप्टाइल्स हैं ये बहुत वल्नरेबल होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। जैसे ही थोड़ा क्लाइमेट में परिवर्तन होता है रेप्टाइल्स तेजी से एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि उनको वो जो गर्मी चाहिए होती है शायद वो उनको नहीं मिल पाती है, या जब आइस एज आता है तो रेप्टाइल्स के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जुरासिक पीरियड में पूरी दुनिया में जो डायनासोर्स है वो पाए जाने लगे। हालांकि मैमल्स अभी भी पाए जा रहे हैं, लेकिन जो डोमिनेटिंग स्पीशीज है वो कौन सी है आपकी, रेप्टाइल्स हैं, डायनासोर्स बेसिकली उसमें से। उसके बाद जो अगला पीरियड आता है उसे हम कहते हैं क्रिटेशियस। क्रिटेशियस जो पीरियड है वो 7.1 करोड़ ईयर्स तक चला। क्रिटेशियस पीरियड्स में जो डायनासोर्स थे उन्होंने अपने आप को और स्पेशलाइज किया और डिफरेंट टाइप के जो डायनासोर्स थे वो पूरी दुनिया में आए। ठीक है, तो जो क्रिटेशियस पीरियड था उसमें जो जुरासिक में कंटिन्यू हो रहा था वो चलता रहा। क्रिटेशियस पीरियड में सबसे इंटरेस्टिंग घटना शुरू हुई, वो शुरू हुई एक और माउंटेन बिल्डिंग जो मूवमेंट थी उसकी शुरुआत हुई। और याद रखिएगा ये फोर्थ माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट है जो कब शुरुआत, जिसकी कब शुरुआत हो रही है, जिसकी क्रिटेशियस में शुरुआत हो रही है। ठीक है, इसके बारे में आगे चल के हम और डिस्कशन करते हैं। क्रिटेशियस में सब कुछ स्मूथली चल रहा था
कोई भी एक्सटिंक्शन इवेंट जो है उसकी शुरुआत नहीं हुई थी, जलवायु जो थी वो सबट्रॉपिकल क्लाइमेट थी पूरी दुनिया में और वो जो जलवायु थी वो उसी तरीके से चल रही थी। लेकिन फिर अचानक से एक ऐसी घटना हुई जिसने लगभग पूरी दुनिया जो है उसको बदल दिया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पृथ्वी के इतिहास में हुई। इस घटना को हम कहते हैं केटी इवेंट। तो क्रिटेशियस टर्शरी इवेंट इसे कहा जाता है, यानी वो घटना जो क्रिटेशियस और टर्शरी के बीच में हुई उसी को हम केटी इवेंट कहते हैं। बेसिकली केटी इवेंट है क्या, अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पूरा मेसोजोइक एरा है, इस मेसोजोइक एरा को हम एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ साल पहले जो आपका MBBS का एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जो सिलेक्शन के लिए होता है कि एज ऑफ रेप्टाइल्स किसे कहा गया। तो मेसोजोइक पीरियड जो है वो क्या कहलाता है, एज ऑफ रेप्टाइल्स कहलाता है, ठीक है। तो क्रिटेशियस पीरियड की अंत कैसे हुई, केटी इवेंट के साथ अंत हुआ क्रिटेशियस पीरियड का। केटी इवेंट है क्या, बेसिकली एक धूमकेतु जिसका जो आकार था वो माना जाता है लगभग 10 किलोमीटर डायमीटर में था, और वो जो धूमकेतु है वो पृथ्वी से आया और पृथ्वी से टकराया। ये एलिवेशन है उस धूमकेतु का, ये करीब इसकी जो स्पीड थी वो करीब 40,000 माइल्स पर आवर थी, और ये धूमकेतु आता है और ये पृथ्वी से टकराता है। मेक्सिको की जो खाड़ी है उसके आसपास ये टकराता है, और इसके टकराने के बाद हमारी जो पूरी दुनिया है वो खत्म हो जाती है। ज्यादातर जो स्पीशीज है प्लांट और एनिमल लाइफ की वो इस इम्पैक्ट से खत्म हो जाती है। बेसिकली ये इस तरह के जो इम्पैक्ट होते हैं ये बहुत ही सीवियर होते हैं, क्योंकि ये जो धूमकेतु के इम्पैक्ट है दुनिया में एक्चुअली कुछ ही ऐसी घटनाएं हैं जिसे हम ग्लोबल किलर कहते हैं, यानी ऐसी घटनाएं जो पूरी दुनिया में लाइफ को खत्म करने की क्षमता रखती हैं। उनमें से जो एक इवेंट है ये मीटियोराइट इम्पैक्ट है। आप समझ सकते हैं 10 किलोमीटर का जो मीटियोराइट है ये बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये जो 10 किलोमीटर का मीटोराइड है जब ये जिस स्पीड से आके टकराता है तो जो एनर्जी जो निकलती है उस एनर्जी से जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। ये माना जाता है कि जो धूमकेतु है, देखिए ये मेक्सिको की खाड़ी में ये युकटान पेनिनसुलार कहते हैं, तो युकटान पेनिनसुलार में इस जगह पे ये जो धूमकेतु है ये पृथ्वी से टकराया था। इसे चिबुक्सला क्रेटर कहा जाता है। ये देखिए ये ग्रेविटी एनोमली मैप है इस इलाके का, अगर आप इस मैप को देखें तो ये आपको राउंड जो एनोमली है ग्रेविटी की ये दिखाई देगी। बेसिकली ये वो उस इम्पैक्ट साइट को दिखा रहा है जिस इम्पैक्ट साइट पे वो धूमकेतु आके टकराया था। ये जो क्रेटर है ये लगभग 180 किलोमीटर का डायमीटर है। याद रखिएगा धूमकेतु केवल 10 किलोमीटर का है, लेकिन जब वो स्पीड से पृथ्वी से टकराया तो उसने एक बहुत बड़ा जो क्रेटर है वो बनाया। माना जाता है कि आधी दुनिया इंपैक्ट के साथ खत्म हो गई, और बची हुई जो आधी पृथ्वी थी वो बाद में जो जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए उस परिवर्तन के कारण जो जितने भी जीव थे बचे हुए वो मारे गए। तो बेसिकली ये क्या है, एक बड़ी एक्सटिंक्शन इवेंट हुई जिसे हम क्या कहते हैं, केटी इवेंट कहते हैं, जिसका मतलब क्या था, एक धूमकेतु पृथ्वी से आके मेक्सिको की खाड़ी के आसपास टकराया, जिसकी वजह से जो जीवन है वो लगभग ऑलमोस्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो एरा था, यानी जो हमारा मेसोजोइक एरा था वो खत्म हुआ और अगला एरा शुरू हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, सेनाजोइक एरा कहते हैं। सेनाजोइक एरा में दो पीरियड आया, पहला जो पीरियड है उसे हम टर्शियरी पीरियड कहते हैं और जो अगला पीरियड आया उसे क्वार्टरनरी पीरियड कहते हैं। और जो सेनाजोइक एरा है ये पिछले 6.5 करोड़ साल से चल रहा है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय कौन सा एरा चल रहा है तो कौन सा एरा चल रहा है, सेनाजोइक एरा चल रहा है। सेनाजोइक एरा में कितना पीरियड आया, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। टर्शियरी पीरियड बीत चुका है, अब क्वार्टरनरी चल रहा है। टर्शियरी पीरियड में हमारे कई पीरियड एपक्स आए। पहला जो एपक था उसे हम कहते हैं पैलियोसीन, और पैलियोसीन 1.1 करोड़ ईयर्स तक चला। पैलियोसीन में क्या हुआ हमारा, पैलियोसीन में जो है वो डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेटिक बेल्ट्स, यानी जो हमारी पृथ्वी में आज जलवायु पेटियां पाई जाती हैं, जलवायु पेटियां ना ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बिट की जो जलवायु पेटियां हैं, ठीक है, वो सारी, और जो फ्रिजिड इलाका है हमारा नॉर्थ और पोल में, ठीक है, तो यानी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट और जो कोल क्लाइमेट है, कोल्ड जोन है, ये जोन की विकास कब शुरू हुआ, पैलियोजोइक पीरियड में इनका विकास शुरू हुआ, ठीक है। और इस समय पैलियोजोइक में फिर से जो जलवायु थी वो नम हुई तो खूब बारिश हुई और बहुत ज्यादा इरोजन जो है वो पैलियोसीन जो पीरियड है, सॉरी पैलियोसीन जो एपक है, उस पैलियोसीन एपक में बहुत सारा जो इरोजन हुआ वो हुआ, तो इस वजह से इस टाइम के फॉसिल्स भी बहुत सारे हमें मिलते हैं। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आया ईओसीन। ईओसीन पीरियड 1.6 करोड़ ईयर्स तक चला, और ईओसीन जो पीरियड है उसमें जो क्लाइमेटिक बेल्ट बनना शुरू हुई थी पैलियोजोइक में वो ईओसीन में बनके कंप्लीट हो गए, यानी ईओसीन की जलवायु लगभग वैसी ही थी जैसी आज पृथ्वी में जलवायु पाई जाती है, यानी हमारी जो क्लाइमेटिक बेल्ट है वो क्या हो गए, स्टैब्लिश्ड हो गए।
और इस पीरियड में फिर बहुत सारे नए जीवों का एवोल्यूशन हुआ। जाहिर सी बात है ज्यादातर जीव एक्सटिंक्ट हो गए कैंटिवेंट के साथ, और उनके एक्सटिंक्शन के साथ नई प्रकार के जो जीव थे वो दोबारा से पृथ्वी में क्या अस्तित्व में आए। इनमें से थे आपके बैट, रैबिट, बीवर्स, रैट, माइस, ठीक है, बहुत सारे मैमल्स, व्हेल्स, ये जो सारे के सारे जो जानवर हैं ये बेसिकली इयोसीन जो पीरियड है उसमें एग्जिस्टेंस में आए। उसके बाद जो अगला एपक आया उसे हम कहते हैं ओलिगोसीन, ठीक है। ओलिगोसीन जो पीरियड है वो 1.2 करोड़ ईयर्स तक चला, और ओलिगोसीन में आपकी जो वार्म क्लाइमेट था ये अभी भी क्या था, वाइडली स्प्रेड था, यानी पूरी दुनिया में गर्म जलवायु जाती थी पाई जाती थी। ओलिगोसीन की जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है और जो पृथ्वी के इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट घटना है वो क्या है, प्रिमिटिव एप्स का अपीयर होना, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट एप्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, होमिनिड्स है, यानी हम इंसानों की क्या है, शुरुआत है। तो जो प्रिमिटिव एप्स आए हमारे सबसे पहले पूर्वज, वो पूर्वज कब आए, ओलिगोसीन में आए। यानी आप कह सकते हैं ये वो एप्स हैं जो अभी जिन्होंने अभी वो पेड़ से नीचे उतरे हैं और उन्होंने दो पैरों पर चलना सीखा है। अभी भी वो झुक के चलते हैं लेकिन अब वो जमीन पे चलना उन्होंने शुरू कर दिया है। आने वाले समय में जो जो ये होमिनिड्स हैं, ग्रेट एप्स, इनकी बहुत सारी प्रजातियां आएंगी, कुछ खत्म हो जाएंगी और कुछ आगे विकसित करेंगी, और जो हमारा होमो सैपियंस तक का जो सफर है वो तय होगा। तो ओलिगोसीन याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो प्रिमिटिव एप्स हैं उनकी उत्पत्ति किस पीरियड में, टर्शियरी पीरियड में, ठीक है। तो टर्शियरी पीरियड में ओलिगोसीन एपक में जो जो हमारे ग्रेट एप्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी जो है वो शुरुआत। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला एपक आया उसे हम क्या कहते हैं, मायोसीन। मायोसीन जो है वो 1.9 करोड़ ईयर्स तक चला, और जो मायोसीन जो आपका जो एपक है इसमें जो क्लाइमेट थी वो फिर से क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। जलवायु हमारी पृथ्वी की दोबारा क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। और पहला जो रिकग्निजब जिसे हम पहचान सकते हैं ऐसा होमिनिड, ठीक है, इसका हमने नाम क्या रखा, एस्ट्रालोफिथिकस। तो सबसे पहला जो एस्ट्रालोफिथिकस यानी हमारे पूर्वज जो कि ग्रेट एप्स के बाद आए, वो उनका नाम क्या था, एस्ट्रालोफिथिकस। एस्ट्रालोफिथिकस जो थे उनकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी, वो लगभग लगभग ठीक ठीक से खड़े होकर देख सकते हैं, दूर तक दौड़ सकते हैं, और उन्होंने धीरे धीरे जो सोसाइटी है, समाज है, उसकी उसकी संरचना शुरू की, लोगों ने समूह में रहना शुरू किया और शायद शिकार करना शुरू किया। तो पैलियोसीन में हमारे जो पुराने जो ग्रेट एप्स हैं उसके बाद जो एस्ट्रालोफिथिकस थे उनकी शुरुआत। इसके बाद आपका जो पीरियड है मायोसीन, मायोसीन के बाद आपकी किसकी शुरुआत होती है, पैलियोसीन की शुरुआत होती है। पैलियोसीन आखिरी एपक है और लगभग 55 लाख साल तक चला। पैलियोसीन को हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी होमो सैपियंस। हम इंसान क्या है, वी आर होमो सैपियंस, हम लोग क्या है, होमो सैपियंस है। तो आपका जो मैन है, इंसान है, उनकी उत्पत्ति कब हुई, पैलियोसीन में होगी। याद रखिएगा हमारे जो पूर्वज है उनकी शुरुआत और पहले हो गई, लेकिन पैलियोसीन में क्या है आपका, एवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ, इंसान जो थे वो अस्तित्व में आए। हम लोग क्या है, होमो सैपियंस। एक्चुअली टेक्निकली हम होमो सैपियंस भी नहीं, हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस हैं। होमो सैपियंस दो तरह के थे, एक था होमो सैपियन इदालू और दूसरे थे हम होमो सैपियंस सैपियंस। होमो सैपियन इदालू जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, उनकी शारीरिक रचना अलग थी, उनका दिमाग हमसे छोटा था, और जो हम हैं हम शायद ज्यादा स्मार्ट थे उनसे, तो एवोल्यूशन की उस दौड़ में हम उनसे निकल पाए आगे। इस तरीके से पांच एपक्स आए और चले गए। टर्शियरी पीरियड की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है, एक तो इंसान आए, और दूसरा जो टर्शियरी पीरियड की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि टर्शियरी पीरियड में एक पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई जिसे हम क्या कहते हैं, टर्शियरी मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो टर्शियरी मूवमेंट्स में हमारे पर्वत बने और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत, और हमारी आज की पृथ्वी में जो भी नवीन वलित पर्वत हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन जिन्हें हम कहते हैं, तो सारे के सारे जो न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं इनकी इनका विकास और उत्पत्ति कब हुई, टर्शियरी पीरियड में हुई। जैसे हिमालय, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज, एटलस, तो ये सारे पर्वत जो हैं ये क्या है, नवीन वलित पर्वत हैं जो नए बने हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो टर्शियरी जो मूवमेंट्स हैं यानी टर्शियरी पर्वत निर्माणकारी हलचल, इन टर्शियरी पर्वत निर्माणकारी हलचलों में ये जो सारे न्यू फोल्ड माउंटेन हैं, हिमालय, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज, एटलस, इन सबकी जो उत्पत्ति है वो टर्शियरी जो पीरियड है उसमें हुई। यहाँ पे आपको बस एक छोटा सा मैं जो है और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हिमालय के बारे में हमें पता चला कि हिमालय वैसे पर्वत तो टर्शियरी है, यानी उसका जो विकास है वो टर्शियरी में ही हुआ, लेकिन मानते हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति थी वो कब शुरू हो गई थी, हिमालय की जो उत्पत्ति थी वो एक मूवमेंट पहले थी जो शुरू हो गई थी, यानी क्रिटेशियस पीरियड,
यहाँ पे आप क्रिटेशियस पीरियड देख रहे हैं, मेसोजोइक एरा में मैंने आपको बताया था, मेसोजोइक एरा का आखिरी पीरियड क्या था, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस पीरियड में जो है वो जो हिमालय है उनकी उत्पत्ति शुरू हो गए थे। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हिमालय की उत्पत्ति कब शुरू हुई, तो याद रखिएगा आप टर्शियरी नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, क्रिटेशियस, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, क्रिटेशियस पीरियड में हुई। लेकिन बाकी जो बचे हुए सारे पर्वत हैं, ये वो पर्वत हैं जिनकी उत्पत्ति कब हुई, टर्शियरी में हुई। तो इनमें से बचे हुए जो सारे पर्वत हैं, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज, एटलस, इनकी उत्पत्ति कब हुई, टर्शियरी पीरियड में हुई। हालांकि विकास जो है वो हिमालय, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज सभी का विकास जो है वो एक साथ कब हुआ, टर्शियरी पीरियड में ही इनका विकास हुआ। लेकिन हिमालय के बारे में याद रखिएगा कि हिमालय जो है उनकी जो उत्पत्ति है वो टर्शियरी से पहले की है। चलिए, इसके बाद जो अगला जो पीरियड आया उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्वार्टनरी पीरियड। ठीक है, क्वार्टनरी जो पीरियड था उसमें दो एपक्स आए। पहला एपक जिसे हम कहते हैं प्लेस्टोसीन, और जो दूसरा एपक था उसे हम क्या कहते हैं, होलोसीन। प्लेस्टोसीन जो है वो लगभग 15 लाख साल तक जो था वो प्लेस्टोसीन चला। ठीक है, प्लिस्टोसीन आज से 12,000 साल पहले खत्म हुआ, याद रखिएगा प्लिस्टोसीन का भूख खत्म हुआ आज से 12,000 साल पहले, और फिर क्या शुरू हुआ, होलोसीन शुरू हुआ। तो आज आप किस एपक में, होलोसीन में, लेकिन जो पहले था उसे हम क्या कहते हैं, प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन लगभग 15 लाख साल तक चला, और प्लिस्टोसीन में ग्रेट आइस एज आई, यानी हमारी पूरी पृथ्वी में क्या पाया जाने लगा, पूरी पृथ्वी नहीं, हमारी जो पृथ्वी थी वो किसमें चली गई, एक हिमयुग में चली गई, एक आइस एज में चली गई, और इसी हिमयुग को हम क्या कहते हैं, ग्रेट आइस एज कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेट आइस एज कब आई, प्लिस्टोसीन में आई। जब बेसिकली अब हम जब बात करते हैं आइस एज की, तो उसका मतलब ये होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ है उसके इलाके काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि अभी भी जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इक्वेटोरियल क्षेत्र है, वहां पे जो है वो बर्फ नहीं है, लेकिन बाकी जो इलाके हैं ध्रुव और उसके आसपास के पूरा, मान लीजिए आज की तारीख में पूरा जो यूरोप है आपका, वो किससे जब ढका हुआ है, वो बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो आपका जो प्लेस्टोसीन है उसमें जो है वो ग्रेट आइस एज आई। अब जब ये बर्फ जब पीछे की तरफ हटी, देखिए यहां से जब बर्फ है पीछे की तरफ जब हटी, तो ये जो बर्फ थी ये देखिए इन गड्ढों में, डिप्रेशंस में जम गए। ठीक है, होता ये कि जब बड़े बड़े हिमालय आगे की तरफ बढ़ते हैं तो डिप्रेशंस बना के चलते हैं, जमीन में गड्ढे बनाते हैं। जब पानी पिघलता है तो इन्हीं डिप्रेशंस में ये जो पानी है ये क्या होता है, फिल हो जाता है। तो अगर आप देखें, देखिए यहाँ लाइन से बहुत सारी लेक्स आपको दिखाई दे रही होंगी एक लाइन से, यानी ये क्या है, ये वो सीमा है जहां तक बर्फ थी, कब, ग्रेट आइस एज में। तो बर्फ जब यहां से पीछे हटी तो ये जो मीठा पानी है बर्फ का पिघला हुआ, ये इन डिप्रेशंस में जम गया, और जो ये सारी लेक्स हैं इनका फॉर्मेशन हुआ। यानी अमेरिका में पाए जाने वाले जो ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ओंटेरियो और एरी, याद रखिएगा 5 ग्रेट लेक्स हैं अमेरिका में पाई जाती हैं। इन ग्रेट लेक्स जो का फॉर्मेशन कब हुआ, प्लेस्टोसीन पीरियड में हुआ। प्लेस्टोसीन पीरियड में ही हम इंसान जो है वो अर्ली, जैसे मतलब वो वैसे ही दिखने लगे जैसे आज आप दिखते हैं। यानी जो प्लिस्टोसीन के जो इंसान है वो लगभग देखने में, रिजेम्बलेंस में वो कैसे थे, वो हमारे जैसे दिखने लगे। इसके बाद जो अगला एपक आया उसे हम क्या कहते हैं, होलोसीन। पिछले 12,000 साल हैं उनसे होलोसीन जो पीरियड है वो चल रहा है। होलोसीन पीरियड के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री में आप जो भी पढ़ते हैं वो सब होलोसीन पीरियड पढ़ते हैं। होलोसीन पीरियड में ही जो प्रेजेंट डे रेस और इंसानों की जो रेस है वो आई है, सारे जो एनिमल्स हैं आप देख रहे हैं उनको, जो क्लाइमेट है, जो चेंज ऑफ सीजन्स हैं, ठीक है, और साथ में बहुत सारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो सारी की सारी जो सिविलाइजेशन का विकास कब हुआ, होलोसीन जो एपक है उसमें हुआ। ठीक है, तो आपका जो क्वार्टनरी पीरियड है उसमें जो होलोसीन एपक जो है वो इस टाइम चल रहा है और वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो जो भी कुछ आज आप दुनिया में देख रहे हैं वो सब किसकी विशेषता है, वो होलोसीन एपक की विशेषता है। अब अगर आपको पूछे कि इस समय एरा कौन सा चल रहा है, तो याद रखिएगा एरा सेनोज़ोइक चल रहा है। कोई पूछे पीरियड कौन सा चल रहा है, तो पीरियड कौन सा चल रहा है, क्वार्टनरी पीरियड चल रहा है। और एपक कौन सा चल रहा है, तो इस समय कौन सा एपक चल रहा है, होलोसीन एपक चल रहा है। तो पृथ्वी ने एक लंबी जो जर्नी है वो इस तरीके से तय की, प्रीकैम्ब्रियन से लेकर सेनोज़ोइक जो एरा है उस तक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये जो टाइम स्केल है जो मैंने आपको पढ़ाया। ये टाइम स्केल बहुत ही जो ज्यादा है वो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट वो इसलिए है क्योंकि मतलब अर्थ की हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है ज्योग्राफी समझने से पहले। तो अब जो ज्योग्राफी है अर्थ की वो काफी आपको मदद मिलेगी उसमें ये समझने के लिए कि चेंजेस जो है वो किस तरीके से हुए। कुछ चेंजेस जो आपने देखा जो कि बहुत ही सिस्टमैटिक चेंजेस आप देख रहे हैं कि जलवायु पृथ्वी की कभी गर्म हो रही है, कभी ठंडी हो रही है, फिर गर्म हो रही है, कभी ठंडी हो रही है, कभी जलवायु जो है उसमें नमी बहुत ज्यादा है और कभी जलवायु जो है बहुत ज्यादा क्या है, ड्राई है।
हम जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे और जब मैं आपको क्लाइमेट चेंज पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है वो एक बार गर्म होती है, फिर ठंडी होती है, फिर गर्म होती है और फिर ठंडी होती है, और एक साइक्लिक प्रक्रिया है पृथ्वी में जो लंबे समय से चली आ रही है, और पृथ्वी इसी गर्म चक्कर, गर्म और जो ठंडी का जो चक्र है वो चलता चला आ रहा है। तो पृथ्वी साइक्लिक मैनर में गर्म होती है और पृथ्वी साइक्लिक मैनर में क्या होती है, ठंडी होती है। ये क्लाइमेटोलॉजी में जब क्लाइमेट चेंज वाला पोर्शन जाएगा तब हम आपको बताएंगे। आज के लिए काफी है, क्या कोई सवाल पूछना चाहेगा?